जावा में स्ट्रिंग्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स कैसे बनाएं, स्ट्रिंग्स जोड़ना और सामान्य स्ट्रिंग्स ऑपरेशन को प्रदर्शन करना, जैसे लोअर केस का अपर केस में परिवर्तन करना। इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग कर रहे हैं उबंटू 11.10, जेडीके 1.6 और एक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको जावा में डेटा टाइप का ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। जावा में स्ट्रिंग अक्षरों का अनुक्रम है। स्ट्रिंग्स शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर डेटा टाइप देखेंगे। अब एक्लिप्स पर जाएं। बाकी कोड के लिए आवश्यक हमारे पास एक्लिप्स आईडीई और स्केलेटन है। हमने क्लास स्ट्रिंग डेमो बनाया है और मेन मेथड जोड़ा है। मेन मेथड में टाइप करें चार स्टार इक्वल टू सिंगल कोट्स में एस्ट्रिक्स। यह स्टेटमेंट स्टार नाम के साथ एक वेरिएबल और चार का टाइप बनाता है। यह वास्तव में एक अक्षर संचित करता है। कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द प्रिंट करें। चार लाइन को हटाएं और टाइप करें चार C1 इक्वल टू सिंगल कोट्स में C, चार C2 इक्वल टू सिंगल कोट्स में A, चार C3 इक्वल टू सिंगल कोट्स में R। हमने तीन अक्षरों का उपयोग करके शब्द कार बनाया है। अब शब्द को प्रिंट करने के लिए उनका उपयोग करें। टाइप करें system.out.print C1। system.out.print C2। system.out.print C3। कृपया ध्यान दें, मैं println की जगह print का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए सभी अक्षर एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। फाइल को सेव करें और रन करें। हम देख सकते हैं आउटपुट अपेक्षित है, लेकिन यह मेथड केवल शब्द को प्रिंट करता है लेकिन बनाता नहीं है। शब्द बनाने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। इसका अभ्यास करें। मेन मेथड के अंदर से सभी को हटाएं और टाइप करें स्ट्रिंग ग्रीट इक्वल टू हेलो लर्नर। ध्यान दें, शब्द स्ट्रिंग में s अपर केस है और हम डीलिमिटर्स के रूप में सिंगल कोट्स के बजाय डबल कोट्स का उपयोग कर रहे हैं। यह स्टेटमेंट वेरिएबल ग्रीट बनाता है जो कि स्ट्रिंग का प्रकार है। अब मैसेज को प्रिंट करें system.out.println greet। फाइल सेव करें और रन करें। हम देख सकते हैं कि मैसेज वेरिएबल में संचित हो गया है और यह प्रिंट हो गया है। स्ट्रिंग को जावा में भी जोड़ा जा सकता है। देखते हैं यह कैसे करें। मैं मैसेज से लर्नर को हटा रहा हूँ। हम भिन्न वेरिएबल में नाम को संचित करेंगे। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जावा। अब हम मैसेज बनाने के लिए स्ट्रिंग जोड़ेंगे। स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू ग्रीट प्लस नेम। प्रिंट स्टेटमेंट से ग्रीट को मैसेज में बदलें। फाइल को सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि आउटपुट ग्रीटिंग और नेम दिखा रहा है,
लेकिन यहाँ उन्हें कोई स्पेस अलग नहीं करता है, अतः एक स्पेस अक्षर को बनाएं। चार स्पेस इक्वल टू सिंगल कोट्स में स्पेस। ध्यान दें, मैंने वेरिएबल नाम में सभी अपरकेस अक्षरों का उपयोग किया है, अतः यह स्पष्ट है। आप इसे अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। अब मैसेज में स्पेस जोड़ें। greet plus space plus name। फाइल को सेव और रन करें। अब हम देख सकते हैं आउटपुट स्पष्ट और अपेक्षित है। अब कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशन देखें। मैं शब्द हेलो के कुछ अक्षरों को अपर केस में और शब्द जावा को अपर केस में बदल रहा हूं। हालांकि जब यूजर इनपुट देता है तो हमारे पास इस प्रकार से मिश्रित वैल्यू होती है, अतः आउटपुट देखने के लिए फाइल को रन करें। हम देख सकते हैं आउटपुट स्पष्ट नहीं है, अतः इनपुट को स्पष्ट करने के लिए स्ट्रिंग मेथड्स का उपयोग करें। टाइप करें greet equal to greet dot to lowercase। यह स्टेटमेंट स्ट्रिंग greet के प्रत्येक अक्षर को लोअर केस में बदलता है। name equal to name dot to अपर केस। यह स्टेटमेंट स्ट्रिंग नेम के प्रत्येक अक्षर को अपर केस में बदलता है। फाइल को सेव और रन करें। हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग मेथड का उपयोग करने के बाद आउटपुट अब स्पष्ट है। इस प्रकार हमने स्ट्रिंग बनाए और स्ट्रिंग ऑपरेशंस को कार्यान्वित किया। यहाँ अधिक स्ट्रिंग मेथड है और उनकी चर्चा हम कठिन विषय पर कार्य करते समय करेंगे। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्ट्रिंग को कैसे बनाएं और जोड़ें और कैसे कार्यान्वित करें, जैसे लोअर केस और अपर केस को बदलना। इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रूप में जावा में स्ट्रिंग के कॉनकैट मेथड के बारे में पढ़ें और ज्ञात करें कि यह स्ट्रिंग जोड़ने से कैसे भिन्न है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।